अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ब्रांड मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं स्कूलें बंद है, फिर भी हम अब तक पहुंच रहे हैं YouTube के ज़रिए। अगर स्कूल शुरू हो गई तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो आपको BMC BTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन, उर्दू बाल भारती पांचवी जमात के लिए मीडियम उर्दू मज़मून उर्दू जमात पंजुम। और आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं, सबक नंबर 20 वक्त का गीत, जिसे लिखा है शफक रजवी अमादपुरी ने। ये एक गीत है। क्या है ये गीत? वक्त का गीत। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हम पढ़ रहे हैं वक्त का गीत और मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज। चलिए ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए सीधा बढ़ते हैं हमारे नज़्म की तरफ। बच्चों आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। बच्चों सबसे पहले आपको यहां पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपने कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना, तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं सबक नंबर 20 जो कि एक नज़्म है वक्त का गीत, जिसे लिखा है शफक रजवी अमादपुरी ने। चलिए जान लेते हैं हम लोग, शायर ने इस नज़्म में वक्त की अहमियत बताई है और इस बात की भी निशानदेही की है कि वक्त के खोने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो इस नज़्म में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, वक्त की अहमियत। वक्त तो पता है ना आपको, हाँ वक्त जो हमारे पास है अभी जो है वो है, और ये वक्त क्या हो जाता है, गुजर जाता है, बराबर ना। और जो वक्त एक बार गुजर गया वो दोबारा वापस नहीं आता, तो इसी की अहमियत यहाँ पर शायर हमें इस नज़्म के ज़रिए बताना चाह रहे हैं कि वक्त कितना कीमती है और वक्त जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आता। और इस नज़्म में इस बात की भी निशानदेही की गई है कि वक्त के खोने से क्या क्या नुकसान होते हैं। जिस वक्त पर जो काम हमें करना चाहिए उस वक्त पर हमने वो काम नहीं करे तो फिर हमारा क्या होता है, नुकसान ही नुकसान होता है। तो बहुत सारे नुकसान होते हैं वक्त पर काम ना करने के। समझ में आ रहा है आपके? जैसे कि आप लोग अभी 5th जमात में हैं, पिछले साल आप 4th में थे, बराबर ना। अब 4th में जो पढ़ाई आपको करनी थी वो आपने अगर नहीं की, जो काम आपको अगर करना चाहिए था वो आपने नहीं किए, तो वो काम आप 5th में कर सकते हैं क्या? वापस 4th में जाकर आप बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं? वो वक्त चला गया आपके हाथ से। तो यही बताना चाह रहे हैं शायर इस नज़्म के ज़रिए कि वक्त की क्या अहमियत है और वक्त के खोने से, वक्त के चले जाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। वक्त एक बार हाथ से चला गया तो दोबारा वो वापस नहीं आता। तो ये था वक्त का गीत और इस नज़्म में हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए बढ़ते आगे। वक्त का गीत, जिसे लिखा है
शफक रजवी अमाद पुरीनी। चलिए शुरू करते हैं। मुसाफिर नहीं मैं ठहर जाने वाला, मुसाफिर नहीं मैं ठहर जाने वाला। मैं पहले पढ़ूंगा, आप लोग सुनेंगे और फिर आप लोग पढ़ेंगे, फिर हम इसे समझेंगे। ओके। मुसाफिर नहीं मैं ठहर जाने वाला, इधर आने वाला उधर जाने वाला, निहा हूँ के मसले नज़र जाने वाला, निगाहों से पल में गुजर जाने वाला। मुसाफिर नहीं मैं ठहर जाने वाला, इधर आने वाला उधर जाने वाला, निहा हूँ के मसले नज़र जाने वाला, निगाहों से पल में गुजर जाने वाला। क्या कह रहे हैं यहाँ पर शफक रजवी अमादपुरी? मुसाफिर नहीं मैं ठहर जाने वाला। किसे कह रहे हैं? वक्त को। किसे? वक्त को। वक्त जो है ठहरता है क्या? हाँ। मुसाफिर नहीं मैं ठहर जाने वाला, इधर आने वाला उधर जाने वाला, इधर भी हूँ उधर भी हूँ हर जगह हूँ। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अभी भी वक्त आपके हाथ में है, आप वीडियो देखेंगे वक्त गुजर जाएगा, बराबर ना? जो का आपको काम करना है वो वक्त पर ही करना है। इधर आने वाला इधर भी हूँ, उधर जाने वाला उधर भी हूँ, निहा हूँ, निहा मतलब छुपा हुआ, निहा मतलब छुपा हुआ, और मसले नज़र मतलब नज़र की तरह पलक झपकते ही, निहा हूँ के मसले नज़र जाने वाला, यानी छुपा हुआ हूँ लेकिन नज़रों की तरह पलक झपकते बराबर मैं क्या कर जाता हूँ? निकल जाता हूँ। निगाहों से पल में गुजर जाने वाला, हम कहते हैं ना कि देखो अभी तो थे और अभी ये चले गए हैं, है ना? अभी तो ऐसा लगता है कि अभी हम लोग अभी आए, कितने जल्दी वक्त गुजर गया है ना? ऐसे हम लोग बातें करते हैं। कोई काम हमारे शौक़ का है या कोई काम हमें करने में मज़ा आता है तो जब हम वो काम करते हैं तो वक्त फौरन निकल जाता है, है ना? तो हमको ऐसा लगता है कि अरे इतने जल्दी वक्त गुजर गया, इतने जल्दी वक्त निकल गया, है ना? तो शायर यहाँ पर यही कह रहे हैं कि निगाहों से पल में गुजर जाने वाला। एकदम पल में क्या हो जाता है? गुजर जाता है। देखिए अभी एक सेकंड था, दूसरा सेकंड हो गया, पिछला सेकंड चला गया हमारे हाथ से, बराबर ना? वक्त रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, थमता नहीं है, इधर भी है उधर भी है, छुपा हुआ है नज़रों के सामने से, निकल जाता है निगाहों से पल में गुजर जाता है। मुसाफिर नहीं है ये, है ना? जिस तरह मुसाफिर आते हैं, ठहरते हैं, रुकते हैं, बातचीत करते हैं, मेहमान आते हैं, एक दिन रहते हैं, दो दिन रहते हैं, तीन दिन रहते हैं, दस दिन रहते हैं, फिर जाते हैं, लेकिन ये मुसाफिर नहीं है, कहीं पर भी ठहरता नहीं है, है ना? मुसाफिर जाते हैं ना लंबे लंबे सफ़र पे हम लोग जाते हैं तो बीच में ब्रेक लेते हैं, आप लोग अगर बस से जाते हैं तो बस गाड़ियाँ जो है ढाबे पे रुकती है, ट्रेन पे जाते हैं आप तो ट्रेन जो स्टेशन पे रुकती है, है ना? लेकिन ये क्या करता है? वक्त रुकता नहीं है, ये मुसाफिर नहीं है, ठहरता नहीं है, इधर भी है उधर भी है, इधर से आने वाला है उधर से जाने वाला है, इधर से आया इधर से चला गया, छुपा हुआ है, मसले नज़र है, नज़रों की तरह पलक झपकते बराबर निकल जाता हूँ, निगाहों से पल में गुजर जाने वाला। एकदम क्या करता है? फौरन मैं निकल जाता हूँ, जैसे मैंने आपको भी बताया कि अभी एक सेकंड था और अभी एक सेकंड नहीं है। समझ में आया आपके? चलिए इसे दोहराइए। मुसाफिर नहीं मैं ठहर जाने वाला, इधर आने वाला उधर जाने वाला, निहा हो के मसले नजर जाने वाला, निगाहों से पल में गुजर जाने वाला। समझ में आया आपके? चलिए बढ़ते अब आगे, देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं शायर इस नज्म के जरिए, वक्त की क्या अहमियत हमें समझाना चाह रहे हैं। वहू आने वाला के जो आके जाए, वहू आने वाला के जो आ के जाए, वो हूँ जाने वाला के जाकर ना आए। क्या कह रहे शायर? के यहाँ पे वक्त खुद बता रहा है कि वो हूँ आने वाला के जो आ के जाए, कि मैं वक्त जो है क्या करता है? आता है, आने वाला है, और जो आ के जाए, आता है और चला जाता है। कौन?
वक्त, वो हूँ आने वाला के जो आके जाए, आता है और चला जाता है, वो हूँ जाने वाला के जाकर ना आए। वक्त वो है जो आता है और चला जाता है, लेकिन जाने के बाद दोबारा वो वक्त वापस नहीं आता। समझ रहे आप लोग? वक्त क्या करता है? दोबारा वापस नहीं आता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, जो वक्त हमारे पास है वो वक्त है, अगर वो वक्त गुजर गया तो दोबारा वो वक्त हमारे हाथ में नहीं आता है, वक्त निकल जाता है। जो वक्त हमारे पास अभी है उसकी अहमियत हमें मालूम होना चाहिए, उसकी कदर हमें करनी चाहिए कि जो वक्त है हमारे पास अभी, हमारा वक्त है पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का, कोशिश करने का, ये वक्त आपके हाथ में से गुजर गया तो फिर दोबारा ये वक्त नहीं आएगा। बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं, सर हमको अब पढ़ाई करनी है, लेकिन जब उनका वक्त था पढ़ाई करने का, वो वक्त उन्होंने शरारत में, मस्ती में, पढ़ाई ना करते हुए निकाल दी। अभी वो वक्त निकल गया, बड़े हो गए, अब उन्हें पढ़ने में भी शर्म आती है ना। ऐसे बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं जो हमारे पास पढ़ के गए हैं, लेकिन उन्हें वक्त पर पढ़ना नहीं था। अब वक्त के बाद पढ़कर कोई मतलब नहीं, वक्त गुजर गया है, दोबारा वो हाथ नहीं आता। लेकिन एक बात और भी है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। आपको अगर पढ़ते लिखते नहीं आ रहा है तो कोशिश कीजिए, है ना। कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर पढ़ने आएगा, कोशिश में आप ज़रूर कामयाब होंगे। एक बार नाकाम होंगे, दो बार नाकाम होंगे, लेकिन तीसरी बार आप, चौथी बार आप ज़रूर कामयाब होंगे, है ना। तो कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती, और अल्लाह ताला भी कहता है कि कोशिश जारी रखिए। वो हूँ आने वाला के जो आके जाए, वो हूँ जाने वाला के जो जाकर ना आए। समझ में आ रहा है ना? वक्त की अहमियत यहाँ पर बता रहे हैं शफक रिजवी अहमदपुरी साहब के। वक्त जो है आता है चला जाता है, लेकिन जाने वाला वक्त दोबारा पलट कर नहीं आता है। देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। अगर आज आया तो कल जाने वाला, अगर आज आया तो कल जाने वाला, मैं हूँ हाथ आकर निकल जाने वाला, मैं हूँ हाथ आकर निकल जाने वाला, कोई आन में हो बदल जाने वाला, ज़मीन पर मैं साया हूँ ढल जाने वाला। क्या कह रहे? अगर आज आया तो कल जाने वाला, आज आया है तो ये ज़रूर जाएगा, ये रुकेगा नहीं, है ना। आपने देखे है 12 घंटे 14 घंटे से ज़्यादा बड़ा दिन देखे आपने कभी? नहीं देखे ना। आप रोज़ सुबह उठते हैं, सूरज दिखते हैं, सूरज निकलता है, उसके साथ साथ दिन में उजाला होता है, दिन होता है, फिर सूरज ग़ुरूब हो जाता है, फिर रात हो जाती है, ऐसा चल ही रहा है, बराबर ना। और क्या होता है, जैसे ही एक दिन गुजरता है हमारी उम्र एक दिन बड़ी हो जाती है, बराबर ना। जैसे ही एक महीना गुजरता है हमारी उम्र बड़ी हो जाती है, एक सेकंड गुजरता है हमारी उम्र बड़ी होती ही जा रही है। इसका मतलब यह है कि वक्त हमारे हाथ से निकल जा रहा है। मैं हूँ हाथ आकर निकल जाने वाला, जो हाथ आया है वो हाथ से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? हाथ आकर खो जाएगा, चला जाएगा, ये वक्त रहेगा नहीं कभी भी। अगर आज आया तो कल जाने वाला, मैं हूँ हाथ आकर निकल जाने वाला, कोई आन में हो बदल जाने वाला, कोई आन, कोई क्षण, कोई सेकंड में क्या है, बदल जाने वाला, ज़मीन पर मैं साया हूँ ढल जाने वाला। जो भी साया ज़मीन पर है वो क्या हो जाता है, ढल जाता है, सूरज निकलता है, ग्रुप हो जाता है, जितना भी साया रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, ढल जाते हैं। सूरज की वजह से ही सारे साये बनते हैं ना। रोशनी की वजह से सारे साये बनते हैं, और सूरज ग्रुप हो जाता है तो सारे साये भी क्या हो जाते हैं, ढल जाते हैं। तो उसी तरह वक्त भी आता है और चला जाता है। जिस आदमी ने, जिस शख्स ने, जिस बच्चे ने वक्त का सही इस्तेमाल किया वही कामयाब होता है, और आगे उसे पछताना नहीं पड़ता है। वक्त बहुत कीमती है, और वक्त को हमें बहुत ही सलीके से और बहुत ही अच्छे से उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और सही तरह से वक्त का इस्तेमाल करना
चाहिए। वक्त जाएगा वापस नहीं आएगा, आज आया तो कल जाने वाला, मैं हूँ हाथ आकर निकल जाने वाला, कोई आन में हो बदल जाने वाला, ज़मीन पर मैं साया हूँ ढल जाने वाला। चलिए पढ़ के बताइए इसको फौरन। अगर आज आया तो कल जाने वाला, मैं हूँ हाथ आकर निकल जाने वाला, कोई आन में हूँ बदल जाने वाला, ज़मीन पर मैं साया हूँ ढल जाने वाला। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं शफक रिजवी अहमदपुरी साहब। नखो मुझको नादान गफलत में सोकर, नखो मुझे नादान गफलत में सोकर, जो सोते हैं पाते नहीं मुझको खोकर, जो सोते हैं पाते नहीं मुझको खोकर। क्या कह रहे हैं यहाँ पर शायर? नखो मुझको नादान गफलत में सोकर, जो गफलत में सो जाता है ना, कहावत है, जो सो गया समझो खो गया, बराबर ना, जो सोता है वो खोता है, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है ना, ऐसा क्या है कहावत है कि जो सोता है वो खोता है और जो जागता है वही पाता है। तो क्या कह रहे हैं अपन, नादान है ना, गफलत में सोकर, नादान कम समझ कम अकल, नादान नखो मुझको नादान गफलत में सोकर। गफलत में सोकर हम वक्त खो नहीं सकते, वक्त बहुत कीमती है, जो वक्त चला गया वो वापस नहीं आता है, ये वो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। जो सोते हैं पाते नहीं मुझको खोकर, जो सो गया है वो दोबारा नहीं पाते, एक बार वक्त चला जाता है तो वक्त वापस नहीं आता। जो सोते हैं पाते नहीं मुझके खोकर, जो एक बार खो दिए, जिसने वक्त को एक बार खो दिया दोबारा वो वक्त उसके पास नहीं आता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे वक्त के, ना खो मुझको नादान गफलत में सोकर। गफलत में सोकर हमें वक्त को खोना नहीं चाहिए है ना, गफलत में हमें सोना नहीं चाहिए, बल्कि जागकर हमें वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए। गफलत में सोना मतलब कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, गफलत क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं, कौन सा वक्त है, कौन सा वक्त आ रहा है, कौन सा वक्त गुजर रहा है कुछ पता नहीं, गफलत में है। क्या है गफलत में, कुछ पता नहीं किसी चीज़ का, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो सोते हैं पाते नहीं मुझको खोकर, जो ऐसा करते हैं गफलत में सोते हैं वो कभी वक्त का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। जो सोते हैं पाते नहीं मुझको खोकर, एक बार उनके हाथ से वक्त चला गया तो फिर वापस नहीं आता है। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, वो दौलत हूँ मुफलिस बने जो लुटाए, वो दौलत हूँ मुफलिस बने जो लुटाए, वो नेमत हूँ जाकर न जो हाथ आए, वो किस्मत हूँ खुशकिस्मती से जो पाए, जगे अपनी हर दिल में इंसा बनाए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर शायर, कि वो दौलत हूँ मुफलिस बने जो लुटाए, कि मैं वो दौलत हूँ, वक्त क्या कह रहा है कि मैं वो दौलत हूँ जिसे कोई लुटा दे तो वो मुफलिस बन जाए, गरीब बन जाए। वक्त कोई लुटा नहीं सकता, वक्त कोई बर्बाद नहीं कर सकता, वो दौलत हूँ जो इसको लुटा देगा वो मुफलिस बन जाएगा, गरीब हो जाएगा। वो नेमत हूँ जाकर न जो हाथ आए, नेमत है, क्या है वक्त, एक तरह का नेमत है, अगर इसका हमने वक्त पर इस्तेमाल कर दिए, सही इस्तेमाल कर लिए वक्त का, तो नेमत हमें हाथ लग जाएंगी, अगर हमने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किए तो जाकर वो हाथ नहीं आएंगी, एक बार जो निकल गया दोबारा वो हाथ में नहीं आएगा। वक्त क्या कह रहा है कि वो किस्मत हूँ खुशकिस्मती से जो पाए, हाँ कि वो वक्त क्या है, किस्मत है, खुशकिस्मती से ही कुछ लोग उसे पाते हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ही वक्त का सही इस्तेमाल कर पाते हैं, और जो लोग वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं वही लोग क्या होते हैं, कामयाब होते हैं, तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं,
और दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं। कौन? हाँ, जिसने वक्त को पाया। खुशकिस्मती है वो जो वक्त को सही से इस्तेमाल कर रहा है। और जो लोग ऐसा करते हैं, खुशकिस्मती से जिनको वक्त मिलता है, जो वक्त को पाते हैं, क्या करते हो, जगह अपने हर दिल में इंसान बनाए, तो वो इंसान हर जगह हर दिल में अपनी जगह बना लेते हैं, जो वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं, मेहनत करते हैं और क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, वही लोग जो वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं। वो वक्त हूँ मुफलिस बने जो लुटाए, वो नेमत हूँ जाकर न जो हाथ आए, वो किस्मत हूँ खुशकिस्मती से जो पाए, जगह अपनी हर दिल में इंसान बनाए। आगे क्या कह रहे, जो प्यारा कहे मुझको प्यारा वही है, जो प्यारा कहे मुझको प्यारा वही है, दो आलम की आंखों का तारा वही है, दो आलम की आंखों का तारा वही है, दो आलम की आंखों का तारा मतलब दुनिया में सबको पसंद आने वाला, दुनिया में सबको पसंद आने वाला दो आलम के आंखों का तारा। क्या कह रहे हैं वहाँ पर, जो प्यारा कहे मुझको प्यारा वही है, जो वक्त को प्यारा कहे, वक्त का सही इस्तेमाल करे, प्यारा वही है। और वही बनता है दोनों आलम की आंखों का तारा, यानी दुनिया में सब उसको पसंद करते हैं, सब उसको पसंद करते हैं और सबका वो पसंदीदा बन जाता है, दुनिया में सबको वो पसंद आता है, इसलिए वो बन जाता है दो आलम की आंखों का तारा। क्या पढ़ रहे हैं हम, वक्त का गीत। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो प्यारा कहे मुझको प्यारा वही है, हाँ, जो वक्त को कहे प्यारा, प्यारा मतलब क्यों कह रहा है प्यारा, प्यारा इसलिए कि वो वक्त का सही इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो उसे प्यारा कह रहा है, तो प्यारा वही है, इसलिए वो क्या बनता है, दोनों आलम के आंखों का तारा, इसलिए दुनिया उसे पसंद करती है। जो प्यारा कहे मुझको प्यारा वही है, दो आलम की आंखों का तारा वही है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, खबरदार ओ बेखबर सोने वाले, खबरदार ओ बेखबर सोने वाले, जो है सोने वाले वो है खोने वाले, मताए गिरा माया की खोने वाले, है आखिर पशीमा बहुत होने वाले। मताए गिरा माया मतलब कीमती दौलत, पशीमा या पशीमा होना मतलब शर्मिंदा होना। खबरदार क्या कह रहे हैं, खबरदार ओ बेखबर सोने वाले, जो है सोने वाले वो है खोने वाले। क्या कह रहे, खबरदार हो जाओ ओ बेखबर सोने वालों, जो सोते हैं वो खोते हैं, वो कभी भी पाते नहीं है, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है, खबरदार बेखबर मत सो, खबरदार सो, सोना भी क्या है हमारे लिए ज़रूरी है, ये वो सोने वाली बात नहीं है, ये जो आंखें खोल कर जो सोते हैं, वक्त का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनके लिए ये कहा जा रहा है कि खबरदार ओ बेखबर सोने वालों, खबरदार हो जाओ, है ना, कि आप क्या कर रहे, सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं लेकिन फिर भी आप वक्त का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसका मतलब आप क्या कर रहे, सो रहे हैं, क्या कर रहे, सो रहे, हाँ, और जो सोता है वो खोता है। मताए गिरा माया के खोने वालों, कीमती दौलत खोने वाले, है आखिर पशीमा बहुत होने वाले, जो कीमती दौलत खो देते हैं वो क्या होते हैं आखिर में, शर्मिंदा होते हैं। और कीमती दौलत यहाँ पे किसे कहा गया, मताए गिरा माया किसे कहा गया है, वक्त को कहा गया है, कि वक्त क्या है, कीमती दौलत है, इसे हम खो नहीं सकते, और जो इसे खो देता है आखिर में वो क्या होता है, शर्मिंदा होता है, और उसे शर्मिंदा होना ही पड़ता है। क्या होता है आखिर में वो, शर्मिंदा। खबरदार ओ बेखबर सोने वाले, जो है सोने वाले वो है खोने वाले, समझ में आ रहा है ना आपके, वेरी गुड।
अताए गिरामा या के खोने वाले है आखिर पशीमा बहुत होने वाले। आगे क्या कह रहे देखिए, जो रहरू है रहजन से होशियार हो जा, जो रहरू है रहजन से होशियार हो जा, चला काफिला जल्द बेदार हो जा। बहुत गहरी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि रहरू यानि राह चलने वाले, जो रास्ता चलते हैं वो रहरू है, और रहजन, रहजन मतलब लुटेरा, चोर उचक के जो रहते हैं ना रहजन, वक्त जो रास्ते में चलते हैं और उनको लूट लेते हैं उसे कहते हैं रहजन। बेदार हो जाना मतलब जागना, होशियार हो जाना। तो यहाँ पर क्या करें, जो रहरू है रहजन से होशियार हो जा, होशियार मतलब होशियारी कहा जाएगा उसे, चला काफिला जल्द बेदार हो जा। जो रहरू है जो रास्ते से चल रहे हैं और रहजन से होशियार हो जाइए, क्या हो जाइए, होशियार हो जाइए, चला काफिला जल्द बेदार हो जा। हाँ, वक्त का सही इस्तेमाल करना है, वक्त का अगर सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वक्त हमारे हाथ से चला जाएगा, जो वक्त हमारे हाथ से चला जा रहा है वो रहजन हमारा बन रहा है, हम रहरू है, वक्त का इस्तेमाल सही करना चाहिए हमें, चला काफिला जल्द बेदार हो जा, अपना काफिला जो चलाओ आगे बढ़ते जाओ, जल्द बेदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, जाग जाओ वक्त पर, जाग जाओ जो सो रहे हैं वक्त पर, जाग जाओ जो रहरू है रहजन से, क्या हो जाइए, होशियार हो जाओ और जाग जाओ, काफिला चलाओ और जल्द बेदार हो जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तरक्की करते जाओ, वक्त का सही इस्तेमाल करते जाओ। यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर शायर के, वक्त का इस्तेमाल करो, चला काफिला आगे बढ़ते जाओ, जल्द बेदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, जाग जाओ, रहजन से होशियार हो जाओ, आप रहरू है आगे बढ़ते ही जाओ। आपको क्या करना है, जल्द उठना है, जल्द बेदार होना है, और बेदार होने से मतलब ये है कि जो काम हम वक्त पर नहीं करते वो काम हमें वक्त पर करना चाहिए, वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों आपके, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारी नज़्म ख़त्म होती है, चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं इसके अल्फाज और मानी। निहां मतलब छुपा हुआ, मसल नज़र, ये सारे अल्फाज मानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक नज़र हम इस पर डाल देते हैं। निहां यानी छुपा हुआ, मसल नज़र यानी नज़र की तरह, पलक झपकते जैसी नज़र होती है, बन और शुरू उस तरह, हाथ आकर निकल जाना मतलब हाथ आकर खो जाना, दो आलम की आंखों का तारा मतलब दुनिया में सबको पसंद आने वाला, मताए गिरा माया मतलब कीमती दौलत, पशिमा होना शर्मिंदा होना, रहरू राह चलने वाला, रहजन लुटेरा, बेदार हो जाना मतलब जागना, होशियार हो जाना। चलिए बढ़ते आगे, और इस नज्म के हमने खाली जगह लिए हैं यहाँ पर, ये खाली जगह आपको पूर करना है, ठीक है, तैयार है आप लोग, चलिए नज्म की मदद से खाना पूरी कीजिए। वो डैश हो मुफलिस बने जो लुटाए, जल्दी बताइए क्या आएगा यहाँ पर, वो डैश हो मुफलिस बने जो लुटाए, जल्दी बताइए। हाँ, वेरी गुड, वो दौलत हूँ मुफलिस बने जो लुटाए। चलिए अगला देखते हैं, वो हूँ जाकर ना जो हाथ आए, वो डैश हूँ जाकर ना जो हाथ आए, क्या है यहाँ पर खाली जगह में क्या आएगा, अल आपने नज्म सुने ना पूरी, वेरी गुड, वो हूँ जाकर ना जो हाथ है, क्या है वो है, वेरी गुड, नेमत, वो नेमत हूँ जाकर ना जो हाथ आए। चलिए अगला देखते हैं, वो डैश हूँ खुशकिस्मती से जो पाए, जल्दी बताइए, आप लोगों को पता है, वो डैश हूँ खुशकिस्मती से जो पाए, चलिए उसका जवाब है, वेरी गुड, वो किस्मत हूँ खुशकिस्मती से जो पाए। चलिए नेक्स्ट और आखिरी, जगह अपनी हर डैश में इंसान बनाए, जल्दी बताइए, वेरी गुड, क्या है, जगह अपनी हर दिल में इंसान बनाए। वो दौलत हूँ मुफलिस बने जो लुटाए, वो नेमत हो जाकर न जो हाथ आए, वो किस्मत हो खुशकिस्मती से जो पाए,
जगह अपने हर दिल में इंसान बनाए। तो आज हम पढ़ रहे थे वक्त का गीत, जिसे लिखा है शफक रिजवी इमादपुरी ने। ये सबक, ये नज़्म हम पूरी पढ़ चुके हैं, और ये नज़्म से हमें ये समझ में आता है कि वक्त जो है हमारे पास अभी वो है, और ये वक्त क्या हो जाने वाला है, वो गुज़र जाने वाला है, चला जाने वाला है। और इसी तरह हम वक्त का सही इस्तेमाल करते रहेंगे तो हम कामयाब बनेंगे। अगर वक्त का हमने इस्तेमाल नहीं करे तो ये किस्मत, ये खुशकिस्मती हमारे पास नहीं रहेंगी, ये दौलत हमारे हाथ से निकल जाएंगी, ये नेमत हमारे हाथ से निकल जाएंगी, और ये दोबारा वापस नहीं आएंगे। इस नज़म से हमें यही सीख मिलती है कि वक्त का हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए, वक्त की अहमियत करना चाहिए, वक्त की कदर करना चाहिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।